हाय गाइस, आई एम मोक्षा और आज हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट चीज केक। सबसे पहले हम चेरी कंपोट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप फ्रेश चेरीज ली है। उसमें ऐड करें 3 बड़े चम्मच शक्कर और 1/4 कप पानी। फ्लेम को मीडियम पर रखें और इसे पकने दें। इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून नींबू का जूस और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इसे मिक्स करके लगभग 5 मिनट तक पकने दें। फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। 5 मिनट बाद आप फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रखे रहने दें। बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर में 15 ओरियोज लिए हैं क्रीम के साथ। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मेल्टेड बटर और इसे एक फाइन पाउडर में ब्लेंड कर लें। मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग फॉर्म मोल्ड का यूज़ करा है। ये चीज़ केक मोल्ड होता है। इसका बेस जो होता है वो थोड़ा लूज़ होता है, जैसे कि वो इजीली डीमोल्ड हो जाए केक। आप ऐसा ही मोल्ड यूज़ करें। अब इसमें ओरियोज़ का मिक्सचर डालकर इसे ग्लास की मदद से फ्लैट कर लें और इसे बेक करें एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। अब हम फिलिंग रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ की जगह हंग कर्ड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत गाढ़ा दही होता है। आप इस तरह इसे बना सकते हैं। इसकी हिंदी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसका जो पानी बचेगा आप इसे खाना बनाने में यूज़ कर लें। ये बहुत ही हेल्दी पानी होता है, इसे वेस्ट ना करें। अब इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लें और एक स्पैचुला की मदद से आप इसे स्मूथ कर लें, जिससे कि इसके बाद में लम्स ना आए। अब मैं यहाँ पर 3/4 कप फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है। आप चाहे तो हैवी व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ्लफ़ी टेक्सचर देगी। अब ऐड करें 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 टीस्पून वनीला और अब इसमें नींबू का रस, कॉर्नफ्लावर और पानी का ही मिक्सचर ऐड करें और इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर या विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें। अब हमने जो बेस बेक किया था उसको ठंडा करने के बाद इस बैटर को उसमें ट्रांसफ़र करें। और अब ठंडा किया हुआ चेरी कंपोट भी ऐड करें और स्पून की मदद से आप रैंडम स्वर्ल्स बना लें। अब इस मोल्ड को आप एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रखकर उस फॉइल को अच्छे से रैप कर लें उसके अराउंड। और अब इस मोल्ड को आप एक ट्रे के अंदर रखें और उस ट्रे के अंदर आप गर्म पानी भर दें। ये वाटर बाथ मेथड होता है। इससे आपका केक ऊपर से जलता नहीं है और साइड्स भी ब्राउन नहीं होती है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको ब्राउन एजेस पसंद है तो। और अब इसे बेक करें 150 डिग्री सेल्सियस पर 55 मिनट्स के लिए। बेक होने के बाद ये सेंटर में थोड़ा जिगल करेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अब इसे 15 मिनट के लिए ठंडा कर लें और 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें, या आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं रात भर के लिए। अगर आप इसे फ्रीज़ कर रहे हैं तो इसे कट करने से पहले आप 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखे रहने दें। इसे अनमोल्ड करने के लिए आप इसके बेस पे एक ग्लास या बोल रखें और अब एक चाकू लेके उसे गर्म पानी में डिप करके और टिश्यू से पोंछ के केक के अराउंड इस तरह चला दें। बिल्कुल हल्के हाथ से चलाइएगा, जिससे कि केक ईजिली डीमोल्ड हो जाए। और इस तरह से नीचे से हल्का सा प्रेस करने पे ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। और आप चाहे तो इसकी साइड्स भी इसी तरह स्मूथ कर सकते हैं और भी क्लीन लुक के लिए। अब लास्ट स्टेप इसका डेकोरेटिंग पार्ट ही बचा है। आप इसमें चॉकलेट किसी भी तरह लगा सकते हैं, चाहे तो मेल्टेड या इस तरह से चॉकलेट बाग भी लगा सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में चेरी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डिलिशियस भी लगता है। चॉकलेट बाग की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। स्लाइस करने के लिए आप सेम नाइफ मेथड का ही यूज़ करें और हर कट के बाद आप नाइफ को एक टिश्यू से पोंछ लें।
और लीजिए हमारा चीज़ केक बिल्कुल रेडी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें क्रीम चीज़ नहीं है, एग्स नहीं है, पर फिर भी ये इतना ज़्यादा क्रीमी और अच्छा टेक्सचर आया है इसका बहुत। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।